तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंटेलिजेंट महात्मा, क्रिप्टो की सही जानकारी यहीं पर। तो दोस्तों, आप अपने अगर मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को विजिट करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे जो भी टोकन के बारे में आप जानना चाहते हो, जो ट्रेंडिंग टोकन है समय पे चल रहे हैं, उन सब के मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लवली इनू। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे आप लेटेस्ट वीडियो में जाएंगे, जो मैंने लेटेस्ट वीडियो बनाया है उनको आप देखते रहेंगे। आप ये वाला जरूर वीडियो देखिएगा कि हाउ टू डिपॉजिट NRI इन वजीरेक्स, यानी इंडियन रुपीस को वजीरेक्स में कैसे करना है, वो उसके बारे में मैंने बताया है। तो वजीरेक्स का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप इंस्टॉल कर लीजिए। हॉटबिट का भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप इन्हें इंस्टॉल कर लीजिए दोनों ऐप को। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेबी डोज कॉइन के बारे में। बेबी डोज कॉइन के ऊपर मैंने पहले भी 12 वीडियो बना चुका हूं, आज ये मेरा 13वां वीडियो है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल वाला बटन क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। और हाँ, मैंने पीछे लवली पे वीडियो बनाया था, तो मिश्रा जी का मैंने उनके ट्विटर प्रोफाइल को बताया था, तो उनको ये बात बुरी लगी। उन्होंने मुझे ट्वीट करके भी बोला है कि भाई आपको कुछ कंफ्यूजन हुआ है। तो देखिए, मैंने कहीं भी आपका नाम लेके ये नहीं बोला है कि आप ही एडमिन। हाँ, ये जरूर बोला है कि लवली इनू का एडमिन इंडियन है, ये मुझे मालूम है। और अगर आपको मेरी तरफ से कोई तकलीफ पहुंची हो तो उसके लिए मैं आपसे एक्सट्रीमली सॉरी। और एक बात और बता दूं कि मैं आपको फॉलो करता हूं, आप जब भी कोई चीज ट्वीट करते हैं तो मैं उसको देखता हूं, उससे वीडियो की नॉलेज लेता हूं, फिर वीडियो बनाता हूं। तो आप दिल पे मत लीजिए, ठीक है। मैं किसी को सलाह नहीं दे रहा हूं कि नहीं आपको फॉलो करें। दोस्तों प्लीज, आप इनको रिस्पेक्ट दीजिए, ये हम सबके बड़े हैं, इनसे बस ज्ञान लेते रहिए। तो चलिए बेबी डॉज के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, एक बार बेबी डॉज के प्राइस जरूर देख लीजिए कि प्राइस में क्या चल रहा है। प्राइस देखिए, एकदम परफेक्ट टाइम है आपके एंट्री करने का, 10.5% के लगभग इसमें जो है प्राइस चेंज माइनस में चल रहा है। हाई आप देख ही रहे हो, हाई आपने ये देख ही लिया है कि यहाँ पे इन्होंने कितना 702 का लगाया, लो 580 का है, ठीक है। सप्लाई की ताबड़तोड़ चली रही है, सप्लाई तो जरूरत से ज्यादा, इसको बहुत टाइम लगेगा। लगभग अगर इसकी बात करें हम, 1 सेंट या 0.01 सेंट आने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो देखिए, रिलेटली आप चेक करिए कि देखिए जहां जो सच्चाई हो उसी पे बात करें हम लोग। प्राइस ग्राफ आप 24 घंटे में देख रहे हो, ताबड़तोड़ तरीके से नीचे गिर के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पे आप देख सकते हो कि सारा कुछ रेड है, जहां तक हम आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इसको कोई मानता नहीं है, ये गलती से हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, बाकी देख रहे हैं 83% लोग इसको गुड बोल रहे हैं और 17% लोग इसको बैड बोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आप इसकी बाइंग करते रहिए और आगे देख लेते हैं कि क्या बड़ी न्यूज है जिसकी वजह से थोड़ी सी मार्केटिंग या कहें कि इसके प्राइस में ऊपर नीचे हो सकता है। बट अभी सही टाइम एंट्री करने का, तो वीडियो को अंत तक देखिए, बने रहिए। चलिए ट्विटर पे देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं आज बेबी डोज कॉइन के बारे में। बेबी डोज कॉइन के ट्विटर हैंडल पर है और इसमें करीब 2-3 दिन से काफी उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि इनका बिलबोर्ड लाइव होने वाला था। यानी बिलबोर्ड पे इन्होंने एक बोले कि जैसे न्यूयॉर्क में या कुछ बड़े शहर जो है वहां पे दुनिया के, वहां पे इन्होंने बिलबोर्ड लगा। बिलबोर्ड होता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है, जैसे आप होर्डिंग वगैरह देखते हैं तो वहां पे है। अभी यहाँ पे देखिए, इन्होंने दिया हुआ है 18 घंटे पहले का है, जस्ट मतलब ये जो 24 आवर में जितनी भी एक्टिविटीज बेबी डोज की तरफ से हुई है वो सारी अपडेट देता हूँ मैं आपको। बेबी डोज की मैं अपडेट की बात इसलिए कर रहा हूँ, बेबी डोज एक अच्छा पोटेंशियल वाला टोकन है और इसकी मार्केटिंग कैपिटलाइजेशन धीरे 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 बढ़ती जा रही है। प्राइस भी अभी बहुत नीचे रेट चल रहा है, यहाँ पे आप अगर चाहो तो एक बोलते हैं सेफ यानी सुरक्षित एंट्री ले सकते हैं यहाँ से, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हम लोग 6,08,000 इनके होल्डर्स हो चुके हैं। ये देखिए, उसकी खुशी में हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली कि यहाँ पे हो सकता है कि इसका जो थीम लोगो है यानी जो लोगो है वो चेंज हो सकता है, ऐसा चल रहा है। कई सारे ट्वीट आप पीछे भी देखेंगे तो बिने आएंगे। देखिए इस तरह के इन्होंने काफी सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। ये है वो बिलबोर्ड की जो मैं बता रहा हूं आपसे, जो लाइव हो रहा है। आप ये देखिए, यहां पे देखिए, देखो ये वाला, ये यहां पे बेबी डोज कॉइन लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है बिलबोर्ड का। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए एक्टिविटीज होती रहनी चाहिए, तो ये एक्टिविटीज हो रही। और एक मैं बता दूं, यहां पे आप देख सकते हो ये एक न्यूज आई है कि 1 क्वार्टिलियन इज वर्थ एन एस्टिमेटेड $610,000, ठीक है। अब ये कह रहे हैं ब्रेक द रीट्वीट बटन, यानी आप जितना ज्यादा रीट्वीट करेंगे
क्यों ये बोल रहे हैं कि वन क्वार्टिलियन के बारे में, क्योंकि ये आप देख लो जी, अभी वहां पे ये इन्होंने वन क्वार्टिलियन बोला था, बट अगर ये कह रहे हैं कि भाई चार महीने हो चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट अक्टूबर को ये चार महीने का हो जाएगा, यहां पे ये कह एटलीस्ट टू क्वार्टिलियन विल बी वन। अब ये कह रहे हैं भैया हम दो क्वार्टिलियन कर देंगे, एक क्वार्टिलियन की क्या कीमत बताई आपको मैंने, 6,10,000। अब देख रहे हो, अब यहां भी कह रहे हैं भैया दो क्वार्टिलियन कर देंगे अप टू 100 के आरटी, यानी 100,000, यानी 1,00,000 के करीब आरटी यानी रिट्यूट होगा, तो ये कर्ज देंगे कितना, 2 क्वार्टिलियन टोकन बर्न कर देंगे। तो कई बार हम लोग बात करते हैं बर्निंग बर्निंग की, बर्निंग क्यों नहीं हो रही, तो बर्निंग के लिए ये जो इन्होंने बात बताई है इस पे आप सभी लोग ध्यान दीजिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि छोटा सा काम है रीट्वीट करना, कुछ नहीं करना, बस ये बटन दबाना है और यहां पे रीट्वीट मार देना, बस हो गया। तो दोस्तों रीट्वीट करिए, रीट्वीट से होगा क्या कि लोगों तक ये चीजें पहुंचेंगी, जिस चीज को 1,00,000 लोग रीट्वीट करेंगे ऐसा नहीं लगता आपको कि पता नहीं चलेंगी, लाइमलाइट में नहीं आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। तो दोस्तों आप इसमें जरूर से जरूर इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि अब यहां पे आप देखो यहां पे लिख रहे हैं एवरी रिट्वीट वी ट्वीट गेट वी विल बर्न 100 बिलियन टोकन्स। तो जाहिर सी बात है मजा आने वाला है दोस्तों। प्राइस भी आप देख ही चुके हो कि इतना ज्यादा कोई प्राइस में चेंज आ नहीं रहा है, प्राइस इसका बहुत नीचे है। इससे पहले मैंने जो बेबी डॉस पे वीडियो बनाए हैं आप जाके देखेंगे, तो जो टोकन की कीमत उस समय 22 से 24 डॉलर थी, आज उन टोकन की कीमत सिर्फ $2 के लगभग बची हुई है, फिर भी मैंने सेल नहीं किया। कई बार लोग बोलते हैं भाई तूने कितना ले रखा है, तू ज्ञान दे रहा, ये दे रहा, वो दे रहा, तो भाई देख जिसको समझ में आए लो, जिसको समझ में आए मत लो, ठीक। पर आप अगर जो भी टोकन आपने खरीदा है आप उसको खरीदने से पहले जरूर दिमाग लगाइए, क्योंकि मैं कोई इन्वेस्टमेंट करता नहीं हूं, मैं आपको सिर्फ बताता हूं हर वीडियो के अपडेट में, ना मैं बोलता हूं कि आप इन्वेस्टमेंट करो या ना करो, मैं सिर्फ इतना बोलता हूं हाँ छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करो, 2-3-4 डॉलर का, वो भी अपना दिमाग लगा के, अननेसेसरी पैसा मत बर्बाद करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।